प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चूड़ियां उछालने वाली महिला को कांग्रेस इनाम देने की तैयारी में है। कांग्रेस चंद्रिका सोलंकी नाम की इस महिला को टिकट दे सकती है। आपको बता दें कि बड़ोदरा में पिछले महीने इस महिला ने पीएम मोदी पर चूड़ियां उछाली थी। चंद्रिका को पूरी उम्मीद ही कांग्रेस का टिकट बड़ोदरा की शहरवाड़ी सीट से वो नहीं मिलेगा। दरअसल 22 अक्टूबर की जब पीएम मोदी बड़ोदरा में रोड शो कर रहे तब चंद्रिका ने पीएम मोदी की तरफ चूड़ियां उछाली थी। इसके बाद पुलिस ने चंद्रिका को हिरासत में ले लिया था। गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट कर चंद्रिका को वीरांगना बताया था। जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट में लिखा था कि गुजरात की क्रांतिकारी वीरांगना चंद्रिका सोलंकी ने 45,000 आशा वर्कर बहनों को न्यूनतम वेतन तक नहीं देने पर आज मोदी के मुंह पर चूड़ियां फेंकी हैं। निलंबित प्राइमरी टीचर चंद्रिका सोलंकी कॉन्ट्रैक्ट एंड फिक्स सैलरी स्ट्रगल कमेटी की महिला शाखा की अध्यक्ष हैं। संगठन ने राज्य में हेल्थ एक्टिविस्ट यानी आशा वर्कर्स के समान अधिकार और समान वेतन के लिए आंदोलन चलाया है। चंद्रिका समान काम के लिए समान वेतन की मांग करते हुए 40 दिन अनशन कर चुकी हैं। SBNI न्यूज रूम की रिपोर्ट।